हेलो स्टूडेंट्स, मैं सद्दाम हुसैन आप सबका मस्त क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को शेयर करूंगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस बिंदु से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन के परीक्षा में पूछते हैं। इसलिए मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो तो थोड़ा छोटा ही है, बस 5-6 मिनट का होगा, कोई बड़ा नहीं है, आप वीडियो को पूरा वॉच कर लें ताकि हिस्ट्री से जो भी टाइप के क्वेश्चंस बनने वाले हैं मैं इस वीडियो में आपको इस महत्वपूर्ण बिंदु के माध्यम से शेयर करूँगा, है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल मस्त क्लासेस पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला जो बेल आइकन होता है उसे क्लिक कर लें, ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आप पर नोटिफिकेशन मिल जाए। आप वीडियो को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल से और भी लोगों को जोड़िए, क्योंकि एक न्यू चैनल है और आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू ज़रा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू ज़रा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू ज़रा कोशिश तो कर, है ना। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इतिहास। ये आपके इतिहास हिस्ट्री का है जो मैंने आपको इस महत्वपूर्ण बिंदु का जो नोट्स है मैंने आपके एनसीईआरटी बुक से संग्रह किया हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, है ना। तो देखिए, आपका पहला महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में राष्ट्रवाद का तेजी से विकास हुआ, है ना। इससे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा, राष्ट्रवाद का तेजी से विकास कब हुआ, तो आपको बताना होगा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि एओ ह्यूम एवं भारतीय नेताओं के सहयोग से 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। अब परीक्षा में पूछेगा ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना होगा 1885 ईस्वी में। अगला सवाल इसी महत्वपूर्ण पॉइंट से बनता है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो आपको बताना होगा ए ओ ह्यूम ने, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक राष्ट्रवादियों के शांतिपूर्ण उपयोगों एवं लचीले दृष्टिकोण के कारण उन्हें उदारवादी कहा गया, है ना। उदारवादी क्यों कहा गया, तो लचीले दृष्टिकोण और शांतिपूर्ण उपाय के चलते, ठीक है। अगले महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे नज़र डालते हैं, जो कि है कि उग्र राष्ट्रवाद बढ़ने के कारण उदारवादियों की मांग पूर्ति नहीं होना था, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण है जो कि बहुत ही वीवीआई है, पूछता है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन कर दिया गया। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। अगले महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे नज़र डालते हैं, लिखा है कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इससे भी ऑब्जेक्टिव सवाल परीक्षा में पूछता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो आपको जवाब देना होगा 1906 ईस्वी में, ठीक है। आगे है 1916 ईस्वी में लखनऊ पैक्ट हुआ, यानी कि लखनऊ समझौता हुआ। यह भी ऑब्जेक्टिव सवाल परीक्षा में आपके आए हुए भी है और पूछा है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो आपको बताना होगा 1916 ईस्वी में, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन था, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला जन आंदोलन कौन था परीक्षा में पूछेगा, तो आपको बताना होगा असहयोग आंदोलन था। सबसे पहला लोगों का आंदोलन कौन सा था, तो असहयोग आंदोलन। किसके नेतृत्व में लड़ा गया, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया, ठीक है। आइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा जन आंदोलन था। दूसरा जन आंदोलन कौन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पहला असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। एक एक पॉइंट्स को नोट कीजिएगा, बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो कि अंदर से है, डीप से लिखा गया है ना, जो कि अगर पूछ दे तो बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन आपसे नहीं छूटेगा इस वीडियो देखने के बाद। पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन, दूसरा जन आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। अगले पॉइंट्स पर नजर डालते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा था, है ना। किसने रखा था, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों ने, ठीक है। अगला देखिए, 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन से पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। यह भी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है
कि पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई, तो याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन में कब रखी गई, तो 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में हुआ, ठीक है ना। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ, कुछ परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवाल के रूप में आता है कि पूना समझौता कब हुआ, तो 1932 ईस्वी में, ठीक है। अगला पॉइंट है 1935 ईस्वी में भारत सुधार अधिनियम पारित हुआ, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवाल के रूप में आएगा कि भारत सुधार अधिनियम एक्ट जो है कब पारित हुआ, तो 1935 ईस्वी में, ठीक है। अगला देखिए, अगला है 1942 ईस्वी में तीसरा जन आंदोलन जिसको भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है हुआ। पहला था असहयोग आंदोलन, दूसरा जन आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा जो था क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। ये कब हुआ था, 1942 ईस्वी। ये कौन सा जन आंदोलन था, तो तीसरा जन आंदोलन था। देख रहे हैं ना कितना पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, अगला है 1946 ईस्वी में नौसेना में विद्रोह हुआ, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवाल के रूप में पूछता है नौसेना में विद्रोह कब हुआ, तो बताना होगा 1946 ईस्वी में, ठीक है। आगे है 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, भारत कब आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बार आया हुआ है, इसलिए आप लोग इसको बार बार देखिए सुनिए, आपको दिमागों में बैठ जाएगा और परीक्षा में इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव सवाल्स नहीं छूटेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगले वीडियो में इसके अगले महत्वपूर्ण बिंदु के साथ मिलेंगे। थैंक्स।